हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट सी के बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट ही नहीं, स्किन, हेयर और नेल्स के स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो हेयर और नेल्स की डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसी बात को आगे रखते हुए आज हम कुछ कॉमन नेल डिजीजेस की बात करेंगे। एक बहुत कॉमन नेल डिजीज है जिसको बोलते हैं इनग्रोइंग टोनेल या इनग्रोइंग फिंगर नेल फॉर दैट मैटर। इसमें क्या होता है कि नेल के जो साइड वाली स्किन है, जिसको हम लोग लैटरल नेल फोल्ड बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग आती रहती है, उसमें पस बनती रहती है और ये बात बार बार होती रहती है। ये अक्सर सबसे ज़्यादा आपके जो पैर के जो बड़े नाखून है, जो बड़ा अंगूठा है, उसके नाखून में किसी भी साइड में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ हो सकती है। और इसका मेन कारण ये होता है कि स्किन के अंदर नाखून की प्रेजेंस होना, जो लैटरल नेल फोल्ड है, जो साइड वाली स्किन है, उसके डेप्थ में नाखून का होना, जिसकी वजह से ये बार बार होता है। इस कंडीशन में बिकॉज नाखून स्किन के अंदर है, उसमें बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बार बार स्वेलिंग, पस, एब्सेस ये बनता रहता है और लोग बार बार एंटीबायोटिक के कोर्स करते रहते हैं। एंटीबायोटिक के कोर्स करने से ज़रूर उसका उसमें आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा, बट अगर आपको ये क्रॉनिक कंडीशन है तो इसके लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस कंडीशन के कारण हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। इनके कारण क्या हैं? इनके मुख्यतः जो कारण रहते हैं वो, अगर हम नाखून को बहुत ज़्यादा गोलाई में काटते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक काटते हैं उसके एजेस तक, तो उसमें शार्प एजेस छूट जाती हैं। वो शार्प एजेस छूटने की वजह से जो साइड की स्किन है उसमें कहीं ना कहीं बार बार कट लगते रहते हैं और उसमें बैक्टीरिया की एंट्री होती रहती है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम आगे से बहुत नैरो फुटवेयर पहन रहे हैं, जो कि बहुत नैरो है, आगे से आपके जो टो नेल्स हैं वो बहुत पास में ऐसे कंप्रेस होते हैं, तो जो साइड वाली स्किन है वो शार्प नेल के अंदर अगर कंप्रेस होती है, इस वजह से उसमें बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है बार बार, और इस वजह से वहाँ पर बार बार इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग ये हो सकता है, और ये क्रॉनिकली होते रहे तो नाखून और स्किन के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाती है और नाखून स्किन के नीचे आ जाता है। तीसरा एक कारण है कि अक्सर हम बहुत लोगों को देखते हैं कि पैर अक्सर गीले होते हैं नहाने के बाद या कुछ भी वॉश करने के बाद में, उसको हम अच्छे से सुखाते नहीं हैं। तो जो गीली या गली हुई स्किन है नाखून के आसपास की, मैसरेटेड स्किन है, उसमें नाखून का इंजरी करना या उसमें कट्स पहुंचाना बहुत आसान होता है, और कट्स जब पहुँचते हैं तो सेम चीज़ की बैक्टीरिया अंदर जाती है और अंदर उसमें इन्फ्लेमेशन, पस क्रिएशन कर सकती है। तो इसका सबसे अच्छा सलूशन है कि ये जो तीन कारण हैं इसको पहले हटाया जाए। नाखून को बहुत ज़्यादा गोलाई में मत काटें, सिर्फ ऊपर का जो वाइट किनारा है उसको काटें, वो साइड से वो थोड़ा सा छोड़ भी दीजिए इनफैक्ट, और नाखून की जो साइड की स्किन है उसको नाखून से दूर करके रखें जितना दूर करके रख सकते हैं। बहुत नैरो फुटवेयर ना पहने, आगे से ब्रॉड फुटवेयर पहने, और आसपास की स्किन को, पैरों की स्किन को हमेशा ड्राई रखें। अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो इसकी एक ग्रेडिंग होती है। जो शुरू के ग्रेड्स होते हैं, जिसमें कि कम ये समस्या थोड़ी सी कम ग्रेड की है, तो कंजर्वेटिव मेथड से, यानी कि एक कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ऐसे नेल टेपिंग या नेल स्प्लिंटिंग, उससे ये प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। बट अगर ये क्रॉनिक कंडीशन बन गई है और ज़्यादा ग्रेड की कंडीशन बन गई है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स, तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नाखून है उसको रिमूव करना पड़ता है, एट द सेम टाइम उसके नाखून की जो रूट है, इसको हम लोग नेल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये तो रही इनग्रोइंग टोनेल की बात। तो ये सब दिक्कतें जो हैं ये कॉमनली सॉल्व हो सकती हैं, हम बहुत कॉमनली इनको ओपीडीज में देखते हैं। अब ज़रूर अगर आपको ये ऐसी कोई समस्या है या नाखून की कोई और समस्या है तो अपने निकटतम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आप अपने स्किन, नेल्स या हेयर की कोई समस्या लेकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं सी के बिरला हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 11 AM to 1 PM उपलब्ध रहता हूँ। थैंक यू।